नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस दीवार को मापकर कॉन्ट्रेक्टर का पेमेंट करना सीखेंगे। सो यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो दीवार को मापकर पेमेंट करना जरूर से जरूर आना चाहिए। और यदि आपके घर की वाल बन रही है तो वाल को माप के ठेकेदार का पेमेंट करना आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। यह एक प्रैक्टिकल वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप एक दीवार मापना सीख जाएंगे तो पूरे घर की दीवार को माप कर ठेकेदार का कितना पैसा हुआ यह निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस दीवार को मापना सीखते हैं। तो दीवार को मापने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टेप होना चाहिए। तो हमारे पास इस समय दो टेप है, एक 30 फीट का है और एक 10 फीट का है। तो चलिए सबसे पहले हम दीवार की लंबाई मापते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने वहां से लेकर वहां तक का पूरा एक टेप लगा दिया है, यानी कि इस दीवार की जितनी लंबाई है हमने वहां पर टेप लगाकर रख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस दीवार की टोटल लंबाई कितने फीट है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि दीवार की जो टोटल लंबाई है 10 फीट 1 इंच है। तो चलिए हम दीवार की लंबाई में 10 फीट 1 इंच लिख लेते हैं। हमारी दीवार की जो टोटल लंबाई हुई वो 10 फीट 1 इंच हो गई। और यहां पर भी हमने उसी टाइप की एक वाल बना रखी है। तो दीवार की जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 फीट 1 इंच है। तो दीवार की लंबाई मापने के बाद चलिए हम दीवार की ऊंचाई मापते हैं। दीवार की लंबाई आपको बिल्कुल नीचे से एकदम ऊपर यानी कि टॉप तक की मापनी है। तो दीवार की ऊंचाई मापकर हमने यहाँ पर टेप लगा दिया है। तो आप टोटल ऊंचाई देख सकते हैं कि 10 फीट 2 इंच है। तो चलिए दीवार की टोटल हाइट यानी कि दीवार की टोटल ऊंचाई हम 10 फीट 2 इंच लिख लेते हैं। 10 फीट 2 इंच। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर दीवार की जो टोटल ऊंचाई थी यानी कि टोटल जो हाइट थी वो 10 फीट 2 इंच थी। तो इसीलिए हमने दीवार की टोटल हाइट 10 फीट 2 इंच लिख ली। तो यहाँ पर भी हम दीवार की जो टोटल हाइट है वो 10 फीट 2 इंच लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको दीवार की लंबाई माप लेनी है और लंबाई मापने के बाद दीवार की ऊंचाई माप लेनी है। वाल की लंबाई और ऊंचाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट ऑल इंच यूनिट टू फिट, यानी कि दीवार को मापने के बाद जितनी यूनिट इंच में आई है उसको आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब आपने दीवार की लंबाई मापी तो 10 फीट 1 इंच आई, तो इस 1 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। इसी तरीके से दीवार की जब आपने हाइट मापी तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट 2 इंच आई, तो केवल इस 2 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यदि इंच को फिट में कन्वर्ट करना है उसमें आप 12 से भाग दे देंगे तो इंच की जो वैल्यू होगी वो फिट में बदल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 1 इंच है इसको हमें फिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हमारा 1 इंच हो गया, 1 इंच डिवाइड बाय 12। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंच डिवाइड बाय 12 सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.0833 आ गया, यानी कि 1 इंच में 0.0833 फिट होता है। इसी तरीके से इस 2 इंच को हम फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 डिवाइड बाई 12, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.1667 फिट आया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.1667 फिट, यानी कि 2 इंच में 0.1667 फिट होता है। अब इस 10 फीट 1 इंच को आप 10.0833 फीट लिख सकते हैं, ठीक है। और इस 10 फीट 2 इंच को 10, ये आपका 10 फीट हो गया, 0.1667 फीट लिख सकते हैं, 1667 फीट। तो सभी इंच की वैल्यू को आप फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ लोग सबसे बड़ी ये गलती करते हैं, जैसे 10 फीट 1 इंच आया है तो इसको 10.1 लिख देंगे, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। और 10 फीट 2 इंच को 10.2 लिख देंगे, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो सभी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के बाद अगले स्टेप में आपको दीवार का क्षेत्रफल यानी कि दीवार का एरिया निकालना है। तो दीवार का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई इंटू ऊंचाई।
तो दीवार की लंबाई आप देख सकते हैं कि 10 फीट 1 इंच था। तो 10 फीट 1 इंच को जब हमने पूरी तरह से फीट में कन्वर्ट किया तो 10.0833 फीट आ गया। और दीवार की ऊंचाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट 2 इंच था। जब हमने 10 फीट 2 इंच को पूरी तरह से फीट में कन्वर्ट किया तो 10.166 फीट आ गया। तो चलिए हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो दीवार की लंबाई की बात करें तो इसको हम लिखेंगे, तो ये दीवार की लंबाई हो गई इंटू दीवार की हाइट की बात करें तो इसको हम लिखेंगे, ये दीवार की हाइट हो गई। चलिए हम इन दोनों का गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 102.51139 स्क्वायर फीट आया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दीवार का टोटल क्षेत्रफल यानी कि दीवार का टोटल एरिया जो हुआ 102.51139 स्क्वायर फीट हो गया। तो दीवार का एरिया निकालने के बाद अगले स्टेप में आप लेबर चार्ज निकालेंगे। तो लेबर का खर्च निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि दीवार का टोटल एरिया जो हमने यहाँ पर निकाल रखा है इंटू 1 स्क्वायर फीट ब्रिक वर्क चार्ज, यानी कि दीवार के टोटल क्षेत्रफल में 1 स्क्वायर फीट दीवार जोड़ने का जो टोटल खर्चा होता है उससे यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको टोटल लेबर चार्ज पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दीवार का टोटल एरिया लिखना है। तो दीवार का टोटल एरिया यहां पर हमने निकाल रखा है, तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं। तो दीवार का टोटल एरिया निकालने के बाद 1 स्क्वायर फीट ब्रिक वर्क चार्ज, तो यहां पर दीवार जोड़ने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 18 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ है, यानी कि 1 स्क्वायर फीट दीवार जोड़ने का जो खर्च है वो 18 रुपए पर स्क्वायर फीट है। आपके एरिया में ईंट जोड़ने का क्या चार्ज है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और यदि आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 18 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ है, तो हम यहाँ पर 18 यानी कि 18 से गुणा कर देंगे। तो चलिए दीवार के टोटल एरिया में हम 18 यानी कि 1 स्क्वायर फीट दीवार बनाने के कॉन्ट्रैक्ट से गुणा कर देते हैं। तो ये दीवार का टोटल एरिया हो गया इंटू 18 1 स्क्वायर फीट दीवार बनाने का खर्च। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1845 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 1845.24 रुपये। तो इस 10 फीट 1 इंच बाई 10 फीट 2 इंच की दीवार को 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से बनाने का जो रेट आया 1845 रुपये आ गया। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि दीवार का मेजरमेंट करके कॉन्ट्रेक्टर का रेट कैसे निकालते हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।